क्लास एट्थ प्रश्न नंबर 25 है। एक वृत्त लगाओ जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु बी पर और उसके बाहर दिए बिंदु डी पर स्पर्श करे। तो एक अपनी मर्जी से कोई ए बी लाइन लगानी है, उसके ऊपर कोई पी पॉइंट लेना है, पी पॉइंट ले लिया, बाहर एक पॉइंट और ले लेना है, उसका नाम रखा हुआ है डी। तो इसको राउंड कर लें, डी पॉइंट पर से डी पॉइंट लगा लें। अब पी बिंदु के ऊपर आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है। प्रकार खोली, चाप लगाई, पहली चाप 60 डिग्री की, फिर 120 की, 120 वाली के ऊपर से ही आपने इसको काटना है। तो यहाँ आपके पास अब 90 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। तो 90 अंश का कोण जो को आप पसंद मिला दें पी पॉइंट्स के साथ डॉटेड, अब पी बिंदु को डी के साथ मिला दें, पी बिंदु को डी के साथ मिला दें डॉटेड, छोटे छोटे डॉट। अब इस पी और डी रेखा का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन का तरीका है, आधा से ज़्यादा प्रकार खोली, चाप लगाई, डी पॉइंट के ऊपर गए, प्रकार रखी और चाप लगाई, जो पहली चाप को दो पॉइंट के ऊपर काटेगी। इसको आपस में लगाना है आपने, ये पॉइंट जो इसको समझे बाजन वाला पॉइंट है ए पी और डी लाइन के, डॉटेड मिला लें इसको। ये समझ विभाजन वाला रेखा इस लंब रेखा को जहाँ काट रही है वो पॉइंट ओ आ गया। अब ओ से प्रकार खोलनी है, पी तक खोल लो या डी तक खोल लो, ओ से प्रकार खोलनी है, पी तक खोल लो या डी तक खोल लो, जो आपका पॉइंट है। और यहाँ आपका वृत्त लगाना है आपने डार्क, पी और डी पॉइंट पॉइंट के सारे टच करेगा। पॉइंटों के साथ भी वो टच करेगा, पॉइंट के साथ जाके, और यहाँ पी पॉइंट के साथ टच करेगा, तो प्रश्न ठीक हो जाएगा।